कितनी मूरत लगती है जब वो मंच पर पधारती हैं। चेहरे के भाव और उनके गाए गीत उनमें अपने आप एक रिश्ता से महसूस होने लगता है। और जब वो मंच पर पधारती हैं और बोलना शुरू करती हैं, तो उनका बोलते बोलते गाना और गाते गाते बोलना एक अनुभवजन्य बात है। चूँकि मैं उनकी चरित्र लेखिका हूँ, मैंने ये बहुत बार अनुभव किया है और हमेशा ये कोशिश की है कि उनके प्रोग्राम में ये अनुभव थोड़ा सा क्यों ना हो लेकिन आप सबको मिले। मैं उनकी तुलना हमेशा एक हरे चंपक से करती हूँ। जैसे हरा चंपक बिल्कुल पत्तों के बीच छिपा रहता है और लाख कोशिश करने के बाद कहीं किसी को मिल जाता है तो उसे हम भाग्यशाली कहते हैं, सुमनताई का वैसे ही है। उनका व्यक्तित्व हमेशा मंच पर आने वाले लोगों में के जैसा नहीं है। हर बार खुद को अभिव्यक्त करना उनकी आदत नहीं है, लेकिन उनके पसंद के लोग होते हैं, उनके पसंद का माहौल होता है और सबसे महत्वपूर्ण उनके गीतों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने वाले उनके जो अभिजन परिजन यानी कि आप सब लोग हैं, तो उनके साथ वो बिल्कुल घुल मिल जाती हैं और उन्हीं के साथ अभिव्यक्त होती हैं। तो सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उनसे उनकी क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि सुमनताई की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं और अपनी उनकी तबीयत की भी कुछ पाबंदियां हैं जिसकी बदौलत वो कल के इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए उपस्थित न हो पाई, लेकिन आज देखिए वो आपके सामने हैं, तो बस तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और अभी जैसे वो हंसी तो आपको आपने पहचाना होगा कि महफिल उनकी, साथी उनका, कार हमारी, बाकी उनका, तो यही तो हाल होने वाला है। अब आपका फिर से एक बार अभिनंदन करके मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि इस वक्त आपके मन में कौन सी भावनाएं उमड़ रही होंगी हम जानना चाहेंगे। वैसे थोड़ा तो आपने कहा लेकिन और कुछ जानना चाहेंगे और हो सके तो सुरों के माध्यम से। सबसे पहले तो आप सबको इस नए वर्ष के लिए 2020 के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। सबका जीवन सुखमय हो। अब मैंने जो आज अभी पाया इसकी खुशी तो इतनी हुई है, बेहद खुशी, और ये असीम आनंद ने मुझे मानो जखड़ी लिया है। और मगर ये जखड़न भी बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू। जैसा कि आपने अभी जाना है कि बोलना बहुत चाहती है कि लेकिन उनकी जो मातृभाषा है वो है कोंकणी और बाकी सारे भाषाओं के संस्कार होते होते सुमन कल्याणपुर नाम की पार्श्व गायिका बन गई है। जैसे कि पहले बंगाली, फिर हिंदी, फिर कोंकणी, फिर इंग्लिश और फिर मराठी, इस तरीके से सभी भाषाओं के साथ उनका प्रवास होता रहा है। तो बस यही बात जो बिल्कुल मितभाषी आपका स्वभाव है तो उसी अंदाज में आपने बोल दिया, लेकिन आप ही के गाए किसी गीत के जरिए अगर यही भावनाएं व्यक्त करनी हो तो कौन से गीत का चयन करेंगे आप? Thank you.
थोड़ा सा यह रिवर्ब समझ में नहीं आता मैं क्या गा रही हूँ। वो इतने काबिल है ना सुमंता है कि वो बिल्कुल संभाल लेंगे जैसे आपने उन्हें बता दिया है, लेकिन मैं उनकी आवाज का वर्णन नहीं करना चाहती थी। मुझे फर्स्ट शेक्सपियर याद आ रहे हैं कि एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टे हर इन्फिनिट वैरायटी। ये बिल्कुल उनके शुरू के लिए इतना सटीक और सही बैठता है। बस अब यहाँ बहुत सारे हमारे मराठी रसिक जन भी हैं, तो अगर यही भावना किसी मराठी गीत के जरिए एक लाइन भी अगर आप गा दोगे ना, मैं धन्य वैकुंठवासी। जरा बैठ बैठ के ना थोड़ा सा गला सुस्ता गया है, थोड़ी सी अभी उठेगा तो फिर हो सकेगा। मगर आनंद मणि माइना, आनंद मणि माइना, कसग आवरो घे गगन भरा मराठी जन है वो तो जानते हैं कि ये रायगढ़ का राजबंदी इस फिल्म का गीत है, दत्ता डावजेकर जी का संगीत है। जानबूझकर मैंने कल से वो नाना बोल रही थी तो आज मैंने हाँ करवाई। बस अब एक सवाल मन में बार बार उठता है कि हम बचपन में आपके गीत सुनते हैं, लेकिन आप आपके बचपन में किन के गीत सुनती थी और कुछ याद है तो बस गाइए हमारे लिए। बचपन में क्या होता था, वो जब भी सुर कानों पे आते थे तो वो याद हो जाते थे सब। जब हम कलकत्ता से आए यहाँ पे बॉम्बे में आए, तो पहले तो ढाका गए थे जब मैं 3 बरस की थी। वैसे तो मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है भवानीपुर में, और ढाका जाने के बाद मैं इंग्लिश स्कूल में जाने लगी। फिर हम लोग 42 में वॉर शुरू हो गया और हम लोग बम्बई में आए, तो मराठी में हमने शुरू किया सब, मराठी लिखना पढ़ना वगैरह सब शुरू किया था। उस वक्त हमारे पड़ोस में सब दिन भर तो गाने ही बजते थे, जो बहुत शौकीन थे मेरे कैसे गाने के। तो वो जो भी गाने वैसे मुझे याद हो गए, पता नहीं वर्ड्स में क्या कहती थी, सब लफ्ज़ तो गलत ही कहती होंगी क्योंकि माँ पीछे से हंसती थी मैं जब भी गाती थी। तो वो जोहरा भाई का स्कूल में जाने के बाद उनका नाम पता लगा जिसने भी गाया है, जोहरा भाई अंबालवाली जी का गाना है। क्या वो अखियां मिला के जिया भर माके चले नहीं जाना, अखियां मिला के जिया भर माके चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना अखियां मिला के। और बहुत सारे गाने हैं जो वो हमेशा अक्सर मुझे सुनाया करती हैं, तो वैसे नूरजहाँ जी भी आपको बहुत पसंद मुझे मालूम है। और बस इतना सुनाया है, मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का फसाना, जमा है नहीं क्या हो गया, बैठ बैठ के ना ऐसे सुस्त हो जाते हैं। तो आते ही स्टेज पे शुरू हो गए ना तो हो जाता है, स्टेज पे शुरू ही हो चुके हैं। हाँ मगर ये उम्र ऐसी है कि थोड़ा सा
महसूस आता है। नहीं नहीं ऐसा आप सोचिए भी मत, आपने जितना भी गाया हमारे लिए शराब होती बिल्कुल, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी चाय लीजिए बिना दूध की। अच्छा, अगर आप पीना चाहते हैं तो आपके लिए है। लेकिन वैसे ही जैसे आपने नूरजहां जी का जिक्र किया, उनका गाना गाया है, वैसे आप सुरैया जी के भी काफी गाने पसंद करते हैं, और मैं वो भी जानती हूँ कि आप म्यूजिक के साथ गाती हैं वो गाना। तो क्यों ना हमारे रसिक जनों को बस एक झलक मात्र। तेरे नैनों में, तेरे नैनों ने जादू किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया है तेरे नैनों ने तेरे नैनों। और मेरी माँ को ये जगह बहुत पसंद थी, वो मैं गाती थी ना हर वक्त, माँ बोलती थी ये गाओ वो फोन आ रहा टनक पहला गाओ, क्योंकि वहाँ पे वो इसका पियानो का एक पीस है जो अच्छा लगता था मुझे, बहुत ही अच्छा लगता था, तो वैसे ही मैं गाती थी। बस यही निकलवाना चाहती थी मैं आपसे कि दूसरों के गानों की इतनी तारीफ हमेशा करती आई हैं अभी तक, तो अब मैं लता जी की ओर आपको ले जाना चाहूँगी कि ऐसे एक गीत है फिल्म चांद का जो आप दोनों ने मिलकर गाया है, खैर मैं वो सब नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो तो बहुत अच्छी याद ही है, लेकिन लता जी का भी कोई गाना आपने उस जमाने में सुना होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी तो गाना जरा मुश्किल है क्योंकि वो हाई हाई नोट्स, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ वैसे क्या हो Oh God. आपने जाना होगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन सोच के नहीं होता यहाँ, मैं काफी सारा सोच कर आई हूँ, वो कुछ और ही जगह मुझे ले जाएंगे, लेकिन मुझे वो पसंद है क्योंकि चरित्र लेखिका होने के कारण मैंने वो सारे अच्छा अनुभव किए हैं। हाँ लता जी का गाना बहारे फिर भी आएंगी, मगर हम तुम जुदा होंगे, घटाए फिर भी छाए घटाए। नहीं आप ऐसे सोचिए भी मत, एक स्निग सी हल्की सी आवाज जब सुमनताई गाने लगती है तो पाजे बजाती चली आती है, मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ और शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे। कभी कभी मुझे ये पूछने का मन करता है जो मैं आज कर ही लेती हूँ कि आपका वैसे पहला सुपर हिट गाना कौन सा है, आजकल ऐसे पूछने की हमारी एक परंपरा सी बन गई है, तो आपको भी लगे आप पूछ लेते हैं। वैसे सभी गाने वहाँ पे सुपर हिट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो सभी गाने सब सुनते थे, सबको पसंद आते थे, वो बार बार बजते थे और बार बार कहते थे सब लोग क्या हो छल बलिया जादू कर गयो, हाय क्या करूँ मैं छल बलिया जादू कर गयो, हाय क्या करूँ मैं, हाय क्या करूँ मैं छल बलिया जादू, हाय हाय कन्हैया जादू कर गयो, हाय क्या करूँ। जमाने में जब उन्होंने मराठी हमारे चित्र क्षेत्र में बहुत
क्षमा करिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि हर गाना वो याद नहीं कर पाएंगी। कुछ सोच के रखा है तो उतना वो ज़रूर कर सकेंगी, और बाकी तो लिबर्टीज मैं ले ही रही हूँ। खैर, वैसे अभी आपसे बात करते समय मुझे वो तीर्थ यात्रा का भी गाना याद आ गया कि जो उस समय का हिट गाना था, सुरेश तलवार संगीतकार जोड़ी थी, देखिए, और वही ये वही वर्ष था जब आपने मराठी में एंट्री ली थी, और मराठी में एक के बाद एक लगातार आप फिल्मों के गाने गा रहे थे। कुछ पुराने गाने जो हर कोई बार बार नहीं सुनता, या शायद ही कभी सुनता है, तो अगर वो याद करती हैं तो आपको सुनाएंगे। मेरे गीत मेरा प्यार बोले आज बार बार, बोले क्या, बोले जाने दे दिल जो गया, तेरा साजन तुझे मिल गया। मेरे गीत मेरा प्यार बोले आज बार। ये मैंने जानबूझकर इसलिए उनसे गवा लिया कि सुमन जी ने ये कभी नहीं सोचा कि कौन सी फिल्म ए ग्रेड की है, कौन सी बी ग्रेड वाली है, ऐसा कोई विभाजन उस समय नहीं। जो बहुत अच्छी आई उनके पल्ले पड़ गई, उनके साथ आई, बस उन्होंने दिल से उसको गा लिया, और ये तर्ज़े हम अभी तक याद करते हैं। करीब करीब हर दिग्गज संगीतकार के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने गाने गाए हैं। तो सभी संगीतकारों के बारे में तो मैं पूछ नहीं सकती, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ यादें गानों के जरिए वो हमें बता दें। जैसे कि मिसाल के तौर पर शंकर जयकिशन जी, तो माधुरी घराने के संगीतकार हैं शंकर जयकिशन जी। नहीं, तो वो तो मैं बताऊंगी मगर गा नहीं पाऊंगी, सॉरी। अच्छा, बताइए। तो सर गाना मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा सुस्त हो गया है अभी। शंकर जयकिशन जी की म्यूज़िक के बारे में बोलना तो ऐसा है कि वो जो कंपोज करते थे शब्द के भावों को शुरू में ऐसे तरह डालते थे कि वो कुछ लोग भूल नहीं पाते थे, बार बार याद आते थे। कितना है ना बरसात, कितनी फिल्मों के हैं उनके गाने, बहुत सारे हैं, बहुत अनगिनत गाने हैं। 1963 से लेकर आपका भी उनके साथ वो रिश्ता जुड़ गया। शंकर जयकिशन भी थोड़ा तस्वीर पकड़ी, ताकि उन्होंने कैसे हमारी उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो बात आखिर तक निभाई। हर फिल्म में गाना आपका होगा ही, ऐसे बोला था वो, और आखिर तक सभी फिल्मों में एक दो गाना मेरा है। वो एक आपको याद है बहना ने भाई की कलाई से? हाँ, वो गाने का ऐसे है कि शंकर जी बहुत वैसे लिबरल थे म्यूज़िक के बारे में, माने जो भी हम रिहर्सल के टाइम में कभी रिहर्सल कुछ अलग सी जगह ऐसे निकल जाती थी ना, वो पकड़ लेते थे, तो वो कहते थे दौरान वो कहते थे, और वो जगह वो गाने उन्हें रखते थे वैसे, और वो ऐसे गाना है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार में संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए पानी दे दूं मैं? खैर, वैसे ही मैं तो अब शंकर जयकिशन जी की बात होगी, खयाम साहब की भी बहुत याद आती है, क्योंकि इसी वर्ष वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन खयाम साहब के बहुत गिने चुने इतने सुंदर गीत आपने गाए हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं, शगुन है, तो आप कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाइए कि आपका गला सूख रहा है। आपका गला भगवान ने ऐसे बनाया है कि वो कभी सूखता ही भगवान करे ऐसे। बिल्कुल, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उन्हें बिल्कुल तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि बस आपको शक्ति दे और आप कुछ गाए, एक गान गाए कि मैं आगे बढ़ सकूं। सर चेंज हो गया ना वेदर में, तो मुंबई का आपको मालूम है कैसे
बाहर वो जस्ट वॉर्म, ना ठंडा है ना गर्म है, बिल्कुल जस्ट एक ही ऐसा रहता है टेम्परेचर। लेकिन ये सब यहाँ आने के बाद एकदम ठंडा हो गया तो अब यहाँ आपको एक थोड़ी सी स्निग्धता और एक थोड़ा सा बस यही लगता प्यार है मुझे ये बिल्कुल गवा रही है बस। बिल्कुल तो वो खयाम साहब का एक गीत ठहरे होशन में यार तो चले जाएगा, ठहरे होश में यार तो चले जाएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले बहुत बढ़िया गाती है वो, क्यों मौसम से इतना डर गई हैं? असल में मौसम आपसे डरता है ये बात आप जानती नहीं है। नहीं लेकिन आगे बढ़ती हूँ मैं, आपने अगर वो पूरा एक स्टैंजा सुनाया होता तो हमारे जितने खुश नसीब और कोई नहीं होते। लेकिन खैर रोशन साहब और आपका रिश्ता कैसा रहा? क्या हुआ मेरे हस्बैंड ने वैसे लोनावला में बड़ी जगह ले ली थी तो, और हम बंगला पालना चाहते थे वहाँ पे हॉलीडे होम ऐसे, तो वहाँ पे सब लोगों को जगह चाहिए थी और हमारे ब्लॉक में हम जब बांध रहे थे तो सबको सबने कहा कि हमको भी लेना इस सब हमारे भी बंगले बांध देना साथ इस सब को साथ में ऐसे हाँ इस सब कौन थे? ये रोशन साहब थे, फिर कौन चित्रगुप्त थे, चित्रगुप्त थे, मुकेश जी थे, मन्नादा थे और रिकॉर्डिस्ट शर्मा थे, फिर कौशिक थी रिकॉर्डिस्ट, माने बॉम्बे के बड़े स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट दोनों, सभी ने हमसे जगह ली थी और सबके बंगले हम साथ में बांधते थे और ऐसे हर वीकेंड को हम लोग साथ में जाते थे क्योंकि तीन चार गाड़ियाँ ऐसे भर के जाती थी साथ में और दिन भर साथ में गुजारते थे, ऐसे बहुत मज़ा आता था। तब तो हम एक पूरी हमारा एक परिवार सा बन गया था, सब रोशन जी, फिर शर्मा जी और कौशिक जी, मन्नादा जी तो साथ में आना जाना, साथ में खाना पीना, साथ में गप्पे लड़ाना, हाँ ये सारा होता है ना? होता ही, मैं तो प्योर वेजिटेरियन थी, लहसुन भी नहीं खाती थी तब, मगर वो मन्नादा जी कहते थे वो साथ में कहते अरे वो कुछ फिश का टुकड़ा पकड़ के वो कह रहे थे ये तो आपने जीवन में बहुत अच्छा ये मिस किया है, खाली खा के देखिए ज़रा ऐसे। तो माय हस्बैंड सेड, माने मेरे शाह ने कहा कि खा नहीं सकोगे बिल्कुल, हाँ वो निकाल के दे रहे थे कांटा निकाल के वगैरह, खा नहीं सकोगे तो मैं हमने कहा ज़रा पता नहीं देखेंगे ज़रा खा के देखी हूँ अभी, क्योंकि माय हस्बैंड उनको तो बहुत ही पसंद था फिश और उनके लिए मैं बनाती थी मगर खाती नहीं थी, खा नहीं पाती थी और सिर्फ क्लीन करके वो देते थे फिर मैं बनाती थी और तब हमने थोड़ा सा खा लिया, पता नहीं फिर थोड़े दिनों के बाद हमको पता लगा हमारी बिटिया आ रही है इसने मुझे सिखाया खाने के लिए बहुत सारी मीठी प्यारी बातें होंगी। अब ऐसा करते हैं कि रोशन जी का अगर कोई, वैसे आपने फरमाइश की थी शराबी शराबी या आई बातें बाहर है वो भी एक गाना शायद आप पसंद होगा नहीं तो कौन सा कोई लो पकड़िए, अरे वही लो त्यांची फरमाइश है म्हणून तर एक तर आई बाबे बाहर तरी घ्या नाही तर शराबी शराबी तरी घ्या, दोन्ही रोशन साहेबांच आहे, सॉरी फॉर मराठी। शराबी शराबी ये सॉ
करके आई हूँ तो बस वो सुनाइए और हम सबसे इजाजत दीजिए। Gracias.